नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पबजी खेलने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। बता दें, रुड़की सीओ बहादुर सिंह चौहान भी घटनास्थल पर पहुंचे थे मुआयना करने के लिए। जानकारी के मुताबिक रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव में काम करने वाले दो बच्चों में पबजी खेलने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान एक बच्चे की गले पर नुकीली चीज लगने की वजह से उसकी जान चली गई। दरअसल यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ जो है इब्राहिमपुर में आसाम साइड के लोग रहते हैं और कबाड़ वगैरह बिनने का काम करते हैं। आज ये लड़के जो है पबजी वगैरह गेम खेल रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ है। उसमें झगड़े के दौरान ही एक लड़के को जो है बता रहे कोई उसके गले में सूजा वगैरह लग गया है, उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में जो है अभी तहरीर नहीं आ रही है, पूछताछ की जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नगीना कॉलोनी के हजारों लोगों ने आज नगर में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें आक्रोशित लोगों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। दरअसल रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी के 400 से ज्यादा परिवार को चिन्हित कर उन्हें 7 दिन के अंदर भूमि खाली करने के नोटिस चस्पा किए जाने के बाद उक्त नगीना कॉलोनी वासी उनमें हड़कंप गया था, जिसके बाद कल देर शाम सभी लोगों ने महापंचायत कर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया था। वो लोग अचानक से आ जाते हैं बचपन से ही तोड़ो तोड़ो करके, और 2012 में आंदोलन हुआ था उसमें एकजुट नहीं थे लोग, तभी वो जमीनें टूट मतलब सब लोग घर से बेघर हो गए। अब हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं और अब कुछ नहीं होगा। और वो रेलवे वाले हमेशा आ जाते हैं और बार बार हटाओ, हमारी ज़मीन है, हम क्यों हटे, हम अपने अधिकार के लड़ रहे हैं और हम गरीब नहीं, वो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब बताओ, ये 7 दिन का मोहलत दे रखा है, 30 तारीख को मेरी लड़की की शादी है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी बारात बताओ, हैं? हमारा तो जीना हराम हो गया, बताओ हमारे घर में बारात है, हम क्या करेंगे? इनको सोच समझ के करना चाहिए ना। हमको भैया जमीन के बदले जमीन चाहिए, हैं? कहीं भी दे जमीन के बदले, अगर रेलवे वाले अपनी जमीन लेती है, हमें जमीन के बदले जमीन दो, कहीं भी दो, सरकार देगी। सरकार नहीं मानती तो क्या आंदोलन? सरकार की नहीं, सरकार की बोर्ड ले रही है, हमारे लिए सबकी सुविधा दे रखा है, काहे के लिए दिया है हमारे लिए? हम इससे भी करके भूख हड़ताल बैठेंगे, हम सब कुछ करेंगे, अगर कोई तोड़ने भी आता हम डम्बेल में भी लेट जाएंगे। नेता का घर नहीं टूट रहा, हमारा घर टूट रहा है, हम भाई अब गाड़ी के आगे लड़ने को तैयार है। थाना कलियर क्षेत्र इमली खेड़ा चौकी में एक मामला मारपीट और लाखों की लूट के साथ जान से मारने की धमकी देने का सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अली जान ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर ये सूचना दी। दरअसल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि साजिद ने मेरे साथी के साथ मारपीट करते हुए 1,35,000 रुपये लूटे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से फरार हो गया। शिकायतकर्ता ने इमली खेड़ा चौकी में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कुंभ मेले के दौरान हुई कोविड टेस्टिंग में गड़बड़ी का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार के सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। प्रदेश अध्यक्ष ने उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, राज्य सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला रहा था और सरकार अधिकारियों की जांच सीमित बनाकर मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ वो भी आपके संज्ञान में, और मैं कहूँ कोरोना टेस्टिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फेक टेस्टिंग हुई, उससे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। नेता प्रतिपक्ष की सीट को भरने के लिए अब कसरत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी विधायकों और नेताओं से इस पर चर्चा कर ली गई है। 7 सितंबर में विधानसभा सत्र को देखते हुए और जल्द ही पार्टी के सभी नेता बैठक कर इस पर फैसला करेंगे।
मॉनसून सीजन में सड़क बाधित होने पर लोगों को इसकी सूचना समय से मिल सके और रूट डायवर्जन प्लान को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसके लिए गढ़वाल पुलिस रेंज के भीतर स्थित 7 जिलों में रूट डायवर्जन प्लान के लिए एक SOP बनाई जा रही है। यह SOP जल्द ही जारी की जाएगी और इसके लिए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, पहाड़ों में जनरली बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि मलबा आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक SOP तैयार करने के लिए बोला गया है, ताकि अगर कहीं पर ब्लॉक होता है तो आसपास के जो आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी को इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो जहाँ भी जो भी डिवीजन प्लान हमारा लागू होना हो वो समय से लागू हो जाए ताकि जाम की प्रॉब्लम ना आए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।